मीटिंग ज्वाइन की है, जिन जिनका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दे। उस पे तो ये था कि ग्रुप वन सॉरी ग्रुप ए एंड बी सेपरेट थे, सेपरेटली उनके लेक्चर्स हो रहे थे, और कोई एक ग्रुप पीछे था ग्रुप आगे था, क्योंकि सेम कंटेंट में चार जगहों पे पढ़ा रही, दो ग्रुप आपके दो ग्रुप बीएसएससी के। क्लास में अपने पूछती थी कि मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ाया था, कि मुझे आइडिया हो जाए कि उनको अब कहाँ से लेके चलना है। अब मुझे ये पूछना है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं उन्होंने लास्टली टॉपिक क्या पढ़ा था, मैंने उनको क्या पढ़ाया था लास्टली, तो उसका अहमद सुल्तान बताए ग्रुप बी का, ग्रुप ए का फहद बताए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम लास्ट टाइम हमने बस इंट्रोडक्शन वगैरह ही पढ़ा था, तो अभी आप कोई लोगों से प्रोग्राम जब भी पूछा जाए यही जवाब होता है जी इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। मैं नहीं इस चीज को मानती, मैं उस लास्ट टॉपिक के नाम पूछी जो कि डिस्कस हुआ क्लास में, इंट्रोडक्शन वगैरह। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी करवा दिया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम वो भी करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम, हमने उस दिन लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बॉडी डिस्कस की, पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, पेपर सेट डायरेक्टिव्स और उसकी बॉडी, और उसके अलावा हमने एक प्रोग्राम भी प्रिंट आउट का ना कंसोल बॉक्स पे लिखना था, वो भी हमने प्रिंट आउट कर लिया था। ठीक है, अब ये बी आर सॉरी ग्रुप बी में से कौन बताएगा अभी क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन वगैरह। इंट्रोडक्शन आपको आखिरी लेक्चर में आप लोगों को नहीं कहना जी, इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी तक। मैम हमने प्रैक्टिकल वालेकुम नहीं किया सलाम। था, थ्योरी की थी। ये भी कोई जवाब नहीं, मैम और हमने क्या कोई कहते हैं मैम मैम हमने सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कहते हैं पढ़ा था, लेकिन हमने उसकी बॉडी कंपाइलर वो चीजें नहीं की थी, ना ही हमने उसका प्रिंट आउट चीजें निकलवाई, बस उसके मैंने पीछे थे आप जो लोगों एज को का सब फ्लो बताया था कि प्रोग्राम सोर्स फाइल होती है, उसको सेव करते हैं, फिर उसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है, फिर यस मैम उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, फिर उसको रन किया जाता है। ये चीजें पढ़ी थी। जी, आपने सुना आवाज नहीं आ रही मोहित बताए थे हसन, इसके। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जी क्या मैम, बताए थे आपने फिर इन सब बोलो। के ना स्टेप्स बताए थे। जी हाँ जी, स्टेप्स ही बताने थे मैंने, जी और मैम। इसके बाद मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टर हेडर फाइल की बात की हो। नहीं मैम, बस रन तक था जो लास्ट स्टेप ना। मैंने आप लोगों से आईओ स्ट्रीम की बात नहीं की। नहीं मैम, नो लास्ट मैम, टाइम हमारा आप लेक्चर नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है चले। जो आप लोगों का है फहद सीआर वाला सेक्शन, आप लोगों से एक स्टेप आगे है। अब चूंकि क्लास कंबाइन होनी है तो दोनों क्लासेस को साथ ही लेके चलना है। अच्छा, बुक मैंने उसको बोला था सीआर को कि अगर सॉफ्ट फॉर्म में है तो वो ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दे, जिसने हार्ड फॉर्म में ले ली अच्छी बात है, जिसने नहीं ली या जिसके पास अभी तक नहीं है, नहीं दे सकता दे सकती, वो इस सॉफ्ट फॉर्म को लेके जो है साथ चले। एक मिनट, मैं बुक खोल के जरा देख लूं कि यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में क्या लिखा होगा। ओके जी, बुक होपफुली आप सब लोगों के पास होगी पीडीएफ फॉर्म में। इफ पॉसिबल इस बुक को खोल लें, और बुक का पेज नंबर 30 है, बुक का फाइल का पेज नहीं बात कर रही, बुक का पेज नंबर 30 है, और उस पे टॉपिक है 2.2। सबके पास है बुक? यस मैम।
जस्ट हैंड रेज कर दें, बस एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 30, जो दोनों सीआर हैं या एक ही सीआर है जैसे फाहद, क्योंकि वो कंबाइन हो गए दो ग्रुप्स, तो प्लीज वो ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दे पीडीएफ फाइल। हाँ जी फाहद, आप लोगों ने दी है बुक इनको? जी मैम, हम मिल गई है। यस मैम, बुक शेयर कर दी हुई है ग्रुप में। बुक का पेज नंबर 30 खोलें भी। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि जी सबके पास बुक है। बुक के पेज नंबर 30 पर टॉपिक है 2.2 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एक ग्रुप को तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में ब्रीफ कर दिया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या वो एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोग्राम जो हर प्रोग्राम में होंगे ही होंगे, जिनके बगैर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो सकता। सो वो मैंडेटरी चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहलाती। उसमें तीन चीजें लिखी हुई है, मैंने बताते हुए दो कर दी थी, सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर दिया था। फर्स्ट थिंग जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड है मेन फंक्शन, थर्ड है बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम या प्रोग्राम की बॉडी। ये वो चीजें हैं जो जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है उसमें ये मस्ट इंक्लूड होंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ठीक, इसमें इसके नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें इंक्लूड प्रोसेसर में लिखा होगा, ये तीसरी लाइन लिखी है हैश नंबर साइन, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अब ये जो लाइन है ये एक एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है। हैश इंक्लूड इसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब ये है कि प्रोसेसिंग करने से पहले पहले आप अपने कंपाइलर को कुछ डायरेक्शन दे रहे हो, उसको एक डायरेक्टिव दे रहे हो, उसे कह रहे हो हैश इंक्लूड। अब ये हैश सिंबल क्यों है, ये इस लैंग्वेज का सिंटैक्स है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हैश सिंबल क्यों है, कोई और सिंबल क्यों नहीं है, नो सिंटैक्स है भाई। हैश इंक्लूड आगे एंकल ब्रैकेट्स में एक फाइल का नाम लिखा हुआ आईओ स्ट्रीम डॉट एच, जब डॉट आ जाता है डॉट का मतलब ये है कि इसके आगे जो लिखा है वो इसकी एक्सटेंशन है, जैसे वर्ड की एक्सटेंशन है डीओसी या डीओसीएक्स, सी की सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की एक्सटेंशन बताई डॉट सीपीपी, ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन बताई डॉट ओबीजे। इसी तरह आईओ स्ट्रीम एक फाइल है, डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल, हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, या ये बता दूं कि इस लाइन को लिखना क्यों जरूरी है। हैश इंक्लूड का मतलब है कि इंक्लूड करो आईओ स्ट्रीम नामी सी प्लस प्लस की फाइल को इस प्रोग्राम में जो हम लिखने जा रहे हैं, इस फाइल को मेरे प्रोग्राम का पार्ट बना दो। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश ऐसे कोई पढ़ने को दूं, अब उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जिनका मतलब ना मुझे पता ना आपको पता है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है उस ऐसे को ट्रांसलेट करना है। कैसे करें भाई, इन लफ्जों का मतलब तो पता ही नहीं है,
तो मैं क्या करती हूँ, मैम उस प्रोग्राम के साथ ही आप लोगों को एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर देती हूँ कि जी जहाँ पे आपको तंगी आए, मुश्किल आए, इस लफ्ज का मतलब जो है आप डिक्शनरी में तलाश करके देख लेना कि क्या है इस लफ्ज का मतलब। यही काम है iostream.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने का मकसद यही है। इस फाइल में है क्या? इस फाइल के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज के C++ के वर्ड्स हमने इस्तेमाल करने हैं, हमने शुरू में बोला कि C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है ह्यूमन के करीब। ह्यूमन के करीब कैसे होती है? इस तरह होती है कि हम उसमें कोडिंग करते हैं इंग्लिश के छोटे छोटे लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कंपाइलर को तो नहीं ना पता, आपके कंप्यूटर को तो नहीं ना पता इन वर्ड्स का मतलब क्या है, वो तो हमें पता है। उसने क्या करना है, इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है इनटू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। उस ट्रांसलेशन के लिए उसको डिक्शनरी चाहिए, उसको हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम है iostream, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब जो आप लोगों ने डेफ का वर्जन इंस्टॉल किया होगा उसमें .h नहीं आएगा साथ। क्यों? क्योंकि हर दफा जब नया वर्जन आता है कोई ना कोई वेरिएशन आई होती है। सो अगर ओल्डर वर्जन है तो मे बी उसमें .h लगता हो, बट अब जब आप ये लाइन लिखेंगे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में iostream .h नहीं लगाएंगे। और ये लैंग्वेज एक और चीज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो चीज स्मॉल में लिखनी है वो स्मॉल में ही लिखनी है। अगर आप कहें जी कैपिटल में लिख दूं तो कोई मसला नहीं होगा, नो मसला होगा। iostream देखे स्मॉल में लिखा हुआ, अगर इसको आप कैपिटल में लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कि मेरे पास इस नाम की कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। तो स्मॉल लेटर नेम शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर, स्मॉल का आपने स्मॉल में लिखना। और देखे सारा कुछ जोड़ के लिखा हुआ है, कहीं पे कोई स्पेस नहीं है, हैश के साथ ही इंक्लूड है, साथ ही एंगल ब्रैकेट ओपन हो रही है, iostream then angle bracket close। iostream stand for input output stream। stream किसे कहते हैं? stream कहते हैं collection of data को, collection of bits and bytes ऐसे कह ले, उसे stream कहते हैं। ठीक है, so ये line आपके हर program की पहली line में जरूर बनेगी, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसी तरह की और भी लाइब्रेरी फाइल है, जैसे मिसाल के तौर पर math.h है, मैथ नाम एक लाइब्रेरी फाइल है। उसमें क्या होता है, उसमें जो मैथ से रिलेटेड जो टेक्निकल फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, वो पढ़े होते हैं। जैसे सपोज मुझे मैथ्स के अंदर लॉग, प्रोग्राम के अंदर लॉग इस्तेमाल करना है, मैथ वाला बेस 10 वाला बेस 2 वाला लॉग जो है वो इस्तेमाल करना। अब उसके लिए जरूरी है कि मैं ऊपर टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे जाऊँ, एक और हैश इंक्लूड वाली लाइन लिखूँ, ठीक है, और उसके अंदर इंक्लूड करूँ मैथ डॉट एच नामी हेडर फाइल को, ताकि जब मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो उसकी डेफिनेशन जो है वो उसको math.h नामी फाइल के अंदर मिल जाए कंपाइलर को। क्लियर है जी? ये जो है ना 2.2.1 और हेडर फाइल से पहले तक, इसको आप लोग रीड आउट कर लें जरा, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो हेडिंग है उसको आप एक दफा रीड आउट कर ले, इसमें से गो थ्रू हो जाएगी उसमें क्या लिखा हो, क्या होगा। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। विच वन इज मेन फंक्शन? इन दरमियान में हेडर फाइल है 2.2.2, मैंने आप लोगों को ये भी ब्रीफली बता दी है कि ये क्या है, आप लोग खुद से पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों को समझ लग जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल में गहराई में हमने नहीं जाना थ्योरी की। नेक्स्ट है जी मेन फंक्शन। प्रोग्राम की पहली लाइन होगी हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स iostream। प्रोग्राम की दूसरी लाइन होगी मेन main स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं लिखना, सामने लिखा हुआ मेन ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स क्लोज। मेन फंक्शन क्या करता है? ये आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, या ये कह रहे हैं कि ये आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, यहां से आप अपने प्रोग्राम का जो मेन फंक्शनैलिटी है, जो आप प्रोग्राम में डालना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर। अच्छा जी बीच में रुके, अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हुए, सुमेरा कवर, मोहम्मद फरहान, फैजान मलिक, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।
अच्छा जी, मेन फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ। मेन फंक्शन लिखना कैसे है? मेन एंगल ब्रैकेट्स ओपन, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, ये लिखा हुआ है। वॉइड में लिखा, आप लोगों ने वॉइड नहीं लिखना। मेन एंगल ब्रैकेट्स ओपन, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, साथ ही अगली लाइन पे करली ब्रैकेट्स ओपन, दरम्यान में कुछ लाइनें छोड़ के, जगह छोड़ के, वो ही करली ब्रैकेट क्लोज। जब जब भी कोई ब्रैकेट ओपन करनी है मैथ की तरह, तो उसको क्लोज भी जरूर करना। अब ये जो करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज की है, इसके दरम्यान में आप देखिए बॉडी ऑफ मेन फंक्शन लिखा हुआ है। ये वो एरिया है, ये जगह वो है जहां पे आपने जो प्रोग्राम से करना है, कब करवाना है, या जो आप प्रोग्राम की आउटपुट लेना चाहते हैं, वो वाला कोड यहाँ पे लिखना है। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू डिस्प्ले योर नेम, एज, यूनिवर्सिटी नेम, योर एड्रेस, यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग, यू वांट टू मेक एनी कैलकुलेशन और एनीथिंग एल्स, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जिधर लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान वाला एरिया। लाइन ऑफ कोड एक लाइन भी हो सकती है बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है, 100 लाइनें भी हो सकती है, 1000 लाइनें भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान ही आप लोगों ने लिखना है। द रेस्ट ऑफ द पोर्शन रिमेन फिक्स्ड। सबसे ऊपर वाली लाइन हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आईओ स्ट्रीम फिक्स्ड, नेक्स्ट लाइन मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन साथ ही क्लोज अगेन फिक्स, नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड आफ्टर द गैप ऑफ फ्यू लाइंस कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये चीजें फिक्स्ड है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के दरमियान का जो एरिया है, इधर आप अपनी मर्जी करेंगे, इधर आप लिखेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो जिस जिस तरह की आउटपुट आप लेना चाहते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे आए, 2.2.4 सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है हेडिंग में। एग्जांपल में देखिए, द फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। एक उसने छोटा सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा हुआ, इट विल बी योर वेरी फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। पहली लाइन देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, डॉट एच नहीं लगाना आपने। अगली लाइन इधर ने लिखा वॉइड मेन, आपने लिखा है मेन, मेन एंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज, नेक्स्ट लाइन पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, ठीक है, कुछ लाइन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, दरमियान में देखे उसने क्या किया, उसने एक मैसेज प्रिंट करवाना है कंसोल पे। व्हाट इज कंसोल? कंसोल इज अ ब्लैक स्क्रीन दैट विल अपीयर ऑन योर एलसीडी व्हेन यू विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। कंसोल एक काली स्क्रीन को कहते हैं। पुराने वक्तों में एलसीडीज, एलईडीज वगैरह, टीवीज को भी कंसोल कहते थे, स्क्रीन को भी कंसोल कह देते हैं। सो स्टेटमेंट लिखी है जी, सी आउट। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउट। कंसोल के ऊपर आउट करो, कंसोल के ऊपर आउटपुट दो। क्या आगे लिखा है जी, डबल एंगल ब्रैकेट्स, दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। डबल एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, आगे डबल कॉमास। अब डबल कॉमास आपके कीबोर्ड पे डबल कोटेशन मार्क्स की की है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो सिंगल कॉमा है उसको दो दो दफा लगा देते हैं, वो नहीं करना। जो डबल कोटेशन मार्क्स की बनी हुई है कीबोर्ड पे, वो इस्तेमाल करनी। सी आउट एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, कोटेशन मार्क्स ओपन, दरमियान में लिखा है जी हेलो वर्ड, ठीक है, कोटेशन मार्क्स क्लोज, एंड पे सेमी कॉलन। अब इस लाइन में भी कौन सी चीजें जो है वो फिक्स्ड रहेंगी, कौन सी चीजें वो चेंजेबल है, वेरिएबल है। पूरी लाइन में सी आउट एंगल ब्रैकेट्स, कोटेशन मार्क्स ओपन, कोटेशन मार्क्स क्लोज एंड सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को कहते हैं टर्मिनेटर। सेमी कॉलन इंडिकेट्स द एंड ऑफ लाइन। जैसे हम इंग्लिश में, उर्दू में कुछ लिखते हैं, हम लाइन का एंड शो करते हैं फुल स्टॉप से। सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम की बॉडी में जो लाइन ऑफ का एंड है वो सेमी कॉलन से शो होता है। दरमियान में लिखा है जी हेलो वर्ड, कॉमास के दरमियान में लिखा है हेलो वर्ड। ये कॉमास के दरमियान में जो जगह है, ये आपकी मर्जी की, ठीक है, इसमें आप जो मर्जी मैसेज लिखे, अपना नाम लिख दे, एड्रेस लिख दे, कुछ और प्रिंट करवाना, कुछ भी लिख दे। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको वो आउटपुट मिलेगी, कंसोल पे आउटपुट मिलेगी, राइट। सी आउट क्या है? सी प्लस प्लस की बिल्ट इन स्टेटमेंट है टू गेट आउटपुट, ठीक है। उसका सिंटेक्स क्या है? सी आउट एंगल ब्रैकेट्स,
कोटेशन मार्क्स ओपन, दरम्यान में आप अपना नाम लिख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ सिद्रा शाहिद, सिद्रा शाहिद कोटेशन मार्क्स क्लोज, एंड में सेमी कॉलन। अगर आप लोग बुक खोली आप लोगों ने साथ, तो एक और काम क्या करें कि अपने साथ नोटबुक रख लिया करें, जैसे क्लास पे रख के बैठते वहां पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लिया करें, जो चीज बाद में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझ लगनी है आप एक ही लाइन में जुमले में उसको लिख लें, आप एक ही दफा वो एक सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी। सो मैंने क्या बताया कि सी आउट इज द स्टेटमेंट जो इस्तेमाल होती है स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए, सी आउट एंगल ब्रैकेट कोटेशन मार्क्स ओपन, ओपन करने के बाद आप कुछ भी लिखे ठीक है, कॉमास को क्लोज करें, एंड में सेमी कॉलन लगा दें, जो भी आपने कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखा होगा वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्लियर जी। और बाद में जो एंगल ब्रैकेट्स है वो तो क्लोज करनी करनी थी। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है जो स्क्रीन पे आपको हेलो वर्ड लिखा हुआ देगा। करना क्या है आपने, आपने डेव सी प्लस प्लस ओपन करना है ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करें अपनी विंडोज से कंपैटिबल वर्जन, गूगल करें डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड फॉर विंडोज 7, 8, 10 जो भी, आपके सामने लिंक्स डिफरेंट आ जाएंगे डेव सी प्लस प्लस की, प्रेफरेबली अपनी साइट को खोलें, किसी और साइट से उसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आपके पास सेटअप आ जाएगा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करें, उसको पूछेगा वो आपसे किस लैंग्वेज में करना है जी, इंग्लिश में करना है, कहाँ पे करना है, सी में करना है, डी में करना है, जिधर आप करना चाहते हैं, वो हार्डली एक मिनट लेता है इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होके डेस्कटॉप पे आप लोगों के शॉर्टकट बन जाएगा, डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट डेव सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगा ठीक है, ओपन हो गया, सामने बटन होगा न्यू का, NEW न्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आपको सोर्स फाइल चाहिए या प्रोजेक्ट चाहिए, हमें सोर्स फाइल चाहिए, सोर्स फाइल पे क्लिक करें, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके सामने ठीक है, उस पेज के ऊपर आपने ये प्रोग्राम टाइप करना है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से लेके एंड में कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक, वो लिखने के बाद ऊपर टॉप पे बटन बना होगा कंपाइल का, आप अपना कर्सर मूव करेंगे वो लिखा आ जाएगा कंपाइल का है, रन का है, किसका है, कंपाइल का बटन प्रेस करेंगे वो आपको खुद से पूछेगा कि उसको आप सेव कर लें, सेव कर लें किसी भी नाम से ठीक है, एक्सटेंशन ही आपने देनी वो खुद ही पिक करेगा एक्सटेंशन, ओके कंपाइल जब करेंगे वो आपको बोलेगा सेव करें, सेव कर लिया, फिर कंपाइलर क्या करेगा ट्रांसलेशन करेगा और एरर चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो आपको नीचे वो मैसेज दे देगा एरर इज इक्वल टू जीरो, एक्सेप्शन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। सो अगर तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गई, एरर नहीं आया, तो आप फिर रन का बटन प्रेस करेंगे, जब आप रन का बटन प्रेस करेंगे एक छोटी सी स्मॉल, बहुत छोटी भी नहीं, हाफ स्क्रीन से थोड़ी सी छोटी कंसोल अपीयर होगी सामने, और उसके ऊपर वो टेक्स्ट मैसेज लिखा होगा जो आपने सी आउट में प्रिंट करवाया था, यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा होगा, अगर आप हेलो वर्ड ही लिख देते स्क्रीन पे लिखा जाएगा हेलो वर्ड ठीक है, कोई भी मैसेज दे दे आप, यहाँ पे कोई करेक्टर यूज कर ले, कोई एट दी रेट साइन यूज कर ले, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर ले, डैशेज यूज कर ले, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, वट एवर यू राइट बिटवीन the upper quotation marks of see out statement वो as it is screen पे print हो जाएगा ठीक है, उसमें syntax का कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी print करना है upper commas के दरमियान में लिख देना है वो screen के ऊपर print हो जाएगा, clear है जी। अच्छा एक dev c का I guess mobile version भी है, वो मैंने तो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बट आज के लेक्चर के बाद मैं इंस्टॉल करूंगी, आप लोग भी करके देखिएगा मोबाइल वर्जन, लैपटॉप वाला भी ठीक है, मोबाइल वर्जन भी करके देखते हैं कि क्या सारा काम जो हम लैपटॉप पे करें वो मोबाइल में हो सकता है। मोबाइल में ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कि टाइपिंग का थोड़ा सा होगा, जैसे हम इजिली कीबोर्ड पे कर लेते हैं वैसे तो खैर नहीं होती, सो मोबाइल का वर्जन भी हम डाउनलोड का आप भी करके देखिएगा, और उसमें ये जो प्रोग्राम छोटा सा देखा है जो मैंने आपको जुबानी कलामी समझाया है ये पेज नंबर 32 ऑफ योर बुक सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स के अंदर जो लिखा हुआ है एग्जांपल, इसको टाइप करके इसको रन करके देखिएगा कि आप लोगों को आउटपुट मिलती है या नहीं मिलती, या अगर किसी का हो जाता है और किसी का नहीं हुआ तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, डिस्कस कर लें कि भाई अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या एरर आया,
ठीक, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में तो मैं वहां पे मौजूद होती हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू है मुझे कॉल करते हैं, हम खुद लैपटॉप मेरे पास लेके आ जाते हैं, मैं खुद भी देख के बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी, खुद से अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। और प्लीज ये सब्जेक्ट इजी नहीं लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट और टेक्निकल सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आगे आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को नहीं आएंगे। इसलिए जितना मैं आप लोगों को ओवरबर्डन भी नहीं करूंगी, जो थोड़ा बहुत मैं हर लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी, काइंडली उसी की लिमिट में, उसी के स्कोप में रहते हुए उस चीज को लर्न करें। ये नहीं है कि आप ओंगे मोंगे क्वेश्चन पूछे, जी ये कैसे होता है, ये कैसे, जो मैंने बताया है वर्ड बाय वर्ड, और कुछ नहीं तो कम अज कम वो ही सारा आप लोगों को आना चाहिए। बहुत कुछ है वो मैं बुक में उसको कैटेगरी समझ के मैं स्किप करा दिया कि ये अभी इस चीज की इतनी जरूरत नहीं है। जो मेन चीज है हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हमें उसको लिखना, ठीक है। बाकी जो एडिशनल कमेंट्स हैं वो साथ साथ में बताती रहूंगी कैसे होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसमें स्मॉल में लिखे में और कैपिटल, वही चीज कैपिटल में लिखे में फर्क है। स्मॉल में जो लिखनी है स्मॉल में ही लिखनी है, अगर आप उसको कैपिटल में, अब आप कहेंगे जी वो ही लिखा है लेकिन कैपिटल में ही है ना, नो, C++ के कंपाइलर के लिए वो चीज डिफरेंट बन जाती है। इंक्लूड आपका वर्ड अगर आप कैपिटल में लिख दे, उसने एरर दे दे, उसने कहना ये क्या है कैपिटल में लिखा हुआ, मैं इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। सो जो चीज स्मॉल में लिखनी है वो स्मॉल में ही लिखनी है। कोई क्वेश्चन है जी तो कर ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपने लास्ट टाइम सी आउट के बाद वो फॉर के देखें और उसमें जैसे प्रोग्राम मैंने बताया है वैसे लिखें। अगर उस तरह नहीं चला तो फिर हम एसिड डबल कॉलन वाला जो काम है वो कर लेंगे मोबाइल ऐप में। वो चीज जो है ना, वो मैं वही बात कर रही थी कि 5.11 जो वर्जन है ना उसी के अंदर आई है। उसे प्रीवियसली भी मैं जब पढ़ाती रही हूँ जो वर्जन से पिछले, उसमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई इन्हांसमेंट की होगी, कुछ आगे पीछे कोई वेरिएशन आई होगी, इस वजह से हम लगा रहे हैं। वरना हम देखे बुक में भी नहीं लगा हुआ और हमने भी जितनी प्रोग्रामिंग की है उसमें वो इस चीज इस्तेमाल नहीं होती थी। उसे बेसिकली कहते हैं टाइप कास्ट। टाइप कास्ट क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। Any other question, जी? कोई और सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। काइंडली जो ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को खुद से रीड आउट करें और इस प्रोग्राम को लिख के एक्सरसाइज करके जरूर देखें। नहीं देखेंगे बार हाँ कह रही हूँ नहीं आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लैपटॉप नहीं है नो प्रॉब्लम, मोबाइल्स तो हैं। डेव C++ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सिंपली न्यू फाइल, न्यू सोर्स फाइल जो भी है उसको सिलेक्ट करके इस प्रोग्राम को टाइप करें। कंपाइल एंड रन के बटन आ रहे हैं, कंपाइल पे क्लिक करें, कोई एरर आएगा कंपाइलर बता देगा कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। अगर उसने नहीं कुछ बताया इट मीन्स कोई एरर नहीं है, एंड देन सिंपली रन करें, एग्जीक्यूट करें अपने प्रोग्राम को एंड गेट योर आउटपुट। हाँ जी, आप उसमें टूल कौन सा यूज करते थे? तो ठीक है ना, टर्बो सी में फिर वॉइड ही आएगा। टर्बो सी में अगर मैं काम कराती मैं आप लोगों को वॉइड कहती, मैं डेव में काम करवा रही। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले लो। यस मैम, स्क्रीनशॉट लेनी है पार्टिसिपेंट्स के। हाँ ठीक है, और देख लेना कोई मिस ना हुए स्टूडेंट ना, कि जो मौजूद है और उसकी अटेंडेंस ना लगे वो मिस ना हुए। जी मैम, ठीक है जी। बाकी आप लोग पढ़ लें, ठीक है। अभी तो माइंड में क्वेश्चन नहीं, मे बी नहीं आ रहा हो,
जितना बताया आप लोग पढ़े, और कल इंशाल्लाह लिंक में भेज दूंगी ये 11:30 के करीब। तो कोई भी क्वेश्चन आज पढ़ाया उससे रिलेटेड या पीछे जो पढ़ाया उससे रिलेटेड माइंड में आता है तो आप कल आते ही मैं पूछूंगी, कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे तब कर लीजिएगा। और काइंडली बार बार कह रही हूँ, एक दफा प्रोग्राम लिख के गो थ्रू जरूर हो कि प्रोग्राम काम कैसे करता है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट कोई अच्छा आया, जैसे कुछ स्टूडेंट ने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी होती है, कुछ नहीं भी पढ़ी होती लेकिन फिर भी जब वो सीखते हैं बहुत एफिशिएंटली सीख लेते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाकियों के लिए, बाकियों की हेल्प के लिए वो एक छोटा सा कोई वीडियो क्लिप वगैरह बना के ग्रुप पे शेयर कर दे कि सॉरी ये प्रोग्राम लिखना कैसे है, उसको टाइप करके एग्जीक्यूट कैसे करना, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। वन बाय वन सबके एरर्स अगर आते हैं हम नहीं रिमूव कर सकते, तो एक चले एक क्या कहते हैं हेल्प ही हो जाएगी उनकी, कि जिनको बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है इन चीज़ों की, समझ बूझ नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ठीक है, कल नेक्स्ट टाइम हम 11:30 के करीब बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।